यहाँ पर हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ ओसाजोन की या रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज और फ्रक्टोज विद फिनाइल हाइड्रोजन की। तो फिनाइल हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर क्या होता है, फिनाइल NHNH2 फिनाइल हाइड्रोजन की। तो बच्चों यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो फिनाइल हाइड्रोजन से रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं, सेम ओसाजोन, सेम कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। जब ग्लूकोज रिएक्शन कर रहा है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बच्चों क्या डिफरेंस है, ग्लूकोज यहाँ पर क्या रखता है, देखो एल्डिहाइड ग्रुप रखता है, ये एल्डिहाइड ग्रुप, ओके किस चीज़ का फॉर्मेशन हो रहा है, थ्री मोलिकूल। दूसरी इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पर कि जब फिनाइल हाइड्रोजन के साथ ये रिएक्शन करता है तो यहाँ पर कितने मोल लगते हैं, 3 मोल्स ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन। ये कई बार पूछ लिया भी जाता है कि कितने मोल यहाँ पर फिनाइल हाइड्रोजन के रिएक्ट करेंगे ग्लूकोज के साथ में, यहाँ पर है ना एल्डिहाइड ग्रुप है। अगर फ्रक्टोज की बात करोगे तो बच्चों फ्रक्टोज में क्या होता है, यहाँ पर कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप है, तो ये डिफरेंस है। लेकिन और यहाँ पर अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल का है, यहाँ पर जो सेकेंडरी अल्कोहल है। लेकिन ये जो अगर फिनाइल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा ग्लूकोज या फिर फिनाइल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा फ्रक्टोज, तो सेम कंपाउंड का फॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा है, ओसाजोन का फॉर्मेशन हो रहा है, सेम ही कंपाउंड फॉर्म हो रहा है ग्लूकोज से और फ्रक्टोज से। तो बस इसकी हम मैकेनिज्म देखेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, जिसे बोलते हैं अमेडोरी रियरेजमेंट। तो बच्चों इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म पढ़ने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से एक फॉर्मेशन होता है। तो एक तो बच्चों कीटोन की जो रिएक्शन है किसी भी एमीन के साथ, अगर कीटोन की रिएक्शन की हम मैं बात करूँगा किसी भी एमीन के साथ, तो हम इस तरह से बॉक्स बना देते हैं, मैकेनिज्म की बात कर लेंगे। यहाँ पर क्या करते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, ठीक है, ये H2, और यहाँ पर फिनाइल हाइड्रोजन हो या फिर कोई भी और R ग्रुप हो, कोई भी एमीन हो, तो इस तरह से वाटर मॉलिक्यूल निकाल देते हैं और हम क्या फॉर्म कर देते हैं, C डबल बॉन्ड N और R, ये हमारा बन जाता है एमीन बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाता है। तो ये वाला बॉन्ड तो समझ में आता है कार्बोनिल से, यहाँ पर ये बॉन्ड बन गया इस तरह की मैकेनिज्म से, लेकिन यहाँ पर ये बात समझ में नहीं आती किस तरह से ये आ गया। और दूसरी बात है, लग तो दो फिनाइल हाइड्रोजन लग रहे हैं यहाँ पर, एक ही और एक ही, लेकिन रिएक्शन में जो इन्वॉल्व हो रहे हैं 3 इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, और सेम यहाँ पर है, यहाँ पर तो कार्बोनिल से समझ में आता है कि यहाँ पर ये बॉन्ड इस तरह से फॉर्मेशन हो गया, लेकिन सेकेंड कैसे बना यहाँ पर। तो बच्चों उसके लिए रहती है अमेडोरी रीअरेंजमेंट मैकेनिज्म, जिसको हम यहाँ पर देखेंगे। फिलहाल इसकी मैकेनिज्म ये किस तरह से रिएक्ट करके वाटर मॉलिक्यूल किस तरह से रिमूव होता है यहाँ से, तो उसको एक बार देख लेते हैं किस तरह से बच्चों ये मैकेनिज्म आती है। कार्बोनिल है, कोई यहाँ पर एमीन है NH2 R, तो बच्चों ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि इसके ऊपर लोन पेयर रहता है और ये पार्शली पॉजिटिव रहता है निगेटिव। तो यहाँ पर जो ये लोन पेयर है ये कहाँ पर अटैक करेगा, इस कार्बोनिल ग्रुप पर अटैक करेगा। तो ये डबल बॉन्ड किधर ब्रेक होता है, ऑक्सीजन की तरफ, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है। जब ये न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल पर, तो यहाँ पर बच्चों ये क्या है, ये न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल किस पर अटैक कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल पर। तो यहाँ पर अटैक करेगा, तो बच्चों सबसे वीक बॉन्ड जो यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में सबसे वीक बॉन्ड रहेगा वो ब्रेक होगा, जो कि यहाँ पर क्या है, पाई बॉन्ड है। तो इस तरह से यहाँ पर O निगेटिव आ गया और NHHR, तो जब इसने अटैक किया है बच्चों तो नाइट्रोजन पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। पॉजिटिव चार्ज आने से क्या करता है, ये हाइड्रोजन यहाँ से ब्रेकआउट कर लेता है। तो यहाँ पर बच्चों फर्दर ये O निगेटिव, N फॉर फर्दर क्या आ गया, लोन पेयर आ गया, क्योंकि ये दो इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, नाइट्रोजन की तरफ गए, NHR, और ये जो H प्लस यहाँ से निकला इलेक्ट्रॉन अपने छोड़ के निकला, H प्लस निकला है, वो कहाँ चला गया बच्चों, जैसे ये OH हो जाता है। अब क्या बच्चों, ये जो लोन पेयर है ये इसको पुश करते हैं और इस तरह से OH निकाल देते हैं, तो एक H प्लस यहाँ से और एक OH ही, तो कुल मिला करके क्या निकाल देते हैं, वाटर मॉलिक्यूल निकाल देते हैं और ये इमीन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, डबल बॉन्ड, ठीक है, ये आया तो इस पर फिर से प्लस आएगा, तो एक H प्लस और यहाँ से रिमूव हो जाता है, तो OH ये गया और बच्चों एक H ये गया, तो कुल मिला करके क्या OH ये और एक H, तो -H2O यहाँ से रिमूव होता है और इस तरह से इमीन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो सेम वे में ये H2 और ये कार्बोनिल का ऑक्सीजन वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करेंगे और इस तरह से ये बॉन्ड तो समझ में आता है, लेकिन ये बॉन्ड कैसा आ गया, क्योंकि अल्कोहल से तो फिनाइल हाइड्रोजन रिएक्शन करेगा नहीं, अल्कोहल से तो इमीन रिएक्ट करेगी नहीं, इस तरह का इमीन का बॉन्ड फॉर्मेशन होगा नहीं। तो इसके पीछे क्या मैकेनिज्म उसको देखते हैं, जो कहलाती है अमेडोरी रीअरेंजमेंट। यहाँ पर बच्चों क्या बताया मैंने, ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों फिनाइल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके सेम कंपाउंड फिनाइल ओसाजोन का फॉर्मेशन
करते हैं। और यहाँ पर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है बच्चों, 3 मोलिकुल्स ऑफ फिनाइल हाइड्राजिन रिएक्ट करते हैं। कितने मोलिकुल? 3 मोलिकुल, जबकि प्रोडक्ट के अंदर क्या लग रहा है, केवल 2 मोलिकुल्स यहाँ पर लग रहा है। तो दोनों इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, एक तो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज दोनों सेम कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं और 3 मोलिकुल यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं। तो बच्चों इसके आगे देखते हैं हम इसकी मैकेनिज्म क्या है। तो मैं ग्लूकोज सिर्फ बनाऊंगा ओसाजोन बोल दो, या ग्लूकोसाजोन भी यहाँ पर टर्म हम यूज़ कर सकते हैं। क्या टर्म यूज़ कर सकते हैं बच्चों? ग्लूकोसाजोन या फिर फ्रक्टोसाजोन, है ना। तो इसको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, सेम ही कंपाउंड है ओसाजोन और ग्लूकोसाजोन या फ्रक्टोसाजोन। चलो बच्चों, तो यहाँ पर हम बात करें इसके मैकेनिज्म की, किस तरह से इसने रिएक्ट किया। तो यहाँ से ये वाली मैकेनिज्म तो मैं रिपीट करूँगा नहीं, यहाँ पर किस तरह से कीटोन से जो है एमीन रिएक्ट करती हैं उसे सिंपल हम वाटर मॉलिक्यूल बॉक्स बना करके दिखा देंगे। तो बच्चों ये जो मैकेनिज्म यहाँ पर इसके फॉर्मेशन की, ये क्या कहला रही है, अमेडोरी रिअरेंजमेंट। इंपॉर्टेंट है ये भी, अमेडोरी रिअरेंजमेंट, अमीडोरी रीअरेंजमेंट इंपॉर्टेंट है। किस तरह से ओसाजोन का फॉर्मेशन हो रहा है, किस तरह फिनाइल हाइड्रोजन 3 मोलिक्यूल क्यों वहाँ पे यूज़ हो रहे हैं। तो बच्चों पहले ग्लूकोज देखते हैं हम, ग्लूकोज थोड़ा शॉर्ट में लिख देंगे। यहाँ पर ग्लूकोज में क्या रहता है बच्चों, एडियाडिक ग्रुप रहता है, नीचे इस कार्बन की ज़रूरत है हमें। यहाँ पर बच्चों पहले OH और H, और नीचे वाले जो कार्बन से उनको कंबाइंड फॉर्म में लिख दें क्योंकि उनका रिएक्शन में यूज़ है नहीं, 3। और लास्ट कार्बन क्या रहता है बच्चों, CH2OH रहता है। तो ये मैंने कंबाइंड फॉर्म में 3 यहाँ पर दिखती है। तो बच्चों जैसे कि हम जानते हैं कि किसी भी एमीन की रिएक्शन जो है फिनाइल हाइड्राजीन है, NH2NHC6H5। तो जैसे कि हम जानते हैं बच्चों किस तरह से रिएक्ट होगा, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। किस तरह रिएक्ट कर रहे हैं, मैकेनिज्म इस तरह बॉक्स बना के दिखा कि वाटर मॉलिक्यूल निकलता है। मैकेनिज्म वही जो मैंने इससे पहले बताई है ना, लोन पेयर यहाँ पर अटैक करेंगे, ओ निगेटिव बनेगा, OH, फिर इलेक्ट्रॉन पुश करेंगे, OH निकल जाएगा। कुल मिला करके फाइनल मैकेनिज्म में यहाँ पर क्या निकलता है, -H2O निकल के इस तरह से फिनाइल हाइड्राजीन एक यहाँ पर अटैच हो जाता है। तो इस तरह से बच्चों ये इमीन बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ से हो जाता है, NH C6H5, ये H, और यहाँ पर COH, CHOH, CH2OH। ठीक है, खाली मैंने क्या किया, फिनाइल हाइड्राजिन की रिएक्शन यहाँ से करा के एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल करके यहाँ पर ये अटैच कर दिया, एक मॉलिक्यूल को तो अटैच हो गया। सेकेंड बच्चों यहाँ पर क्या होता है, ये कीटो इनोल फॉर्म जिस तरह से चेंज होती है, तो ये बॉन्ड यहाँ पर आएगा और ये यहाँ पर आएगा, ये वाला एच फाइनली कहाँ जाएगा, इस नाइट्रोजन पे चला जाता है। ये डबल बॉन्ड कीटो इनोल फॉर्म की तरह से ये डबल बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हुई, ये बॉन्ड टूटा है ना, यहाँ डबल बॉन्ड आया और ये यहाँ पर चला गया। तो बच्चों यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कहाँ पर आ गया, इस बॉन्ड के बीच में OH और CH, OH होल थ्राइस ये और CH2OH, यहाँ पर नीचे तो रिएक्शन होनी नहीं है, इन्हीं दो कार्बन पर होनी है, तो इन्हीं के बीच में हम दिखा रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पर NH C6H5, तो यहाँ से ये जो H है यहाँ पर ये H अटैच हो गया और ये डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया। किस तरह से, ये बॉन्ड इधर आया और ये इधर चला गया, है ना, जैसे कीटो इनोल फॉर्म टोटोमेरिज में होती है उस तरह से। फाइनली क्या होता है बच्चों, फर्दर यहाँ पर NN के बीच में भी एक सिंगल बॉन्ड है। फर्दर ये जो इनोल फॉर्म है फर्दर किस में चेंज हो जाती है, कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। किस तरह से कन्वर्ट होती है, ये इधर आएगा तो सेम ये डबल बॉन्ड यहाँ पर पुश करेगा और यहाँ पर बच्चों एनिलीन एज ए लिविंग ग्रुप निकल जाएगी। तो बच्चों यहाँ पर क्या हो गया, कीटो इमीन फॉर्म हो गया। तो ये बच्चों सी यहाँ पर बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड N, सी ये वाला बॉन्ड इधर गया, तो क्या नया बॉन्ड ये बच्चों रेड कलर से दिखा दिया N, और यहाँ से ये टुकड़ा जो है एनिलीन टूट करके निकल गया है। और यहाँ पर H पहले का एक लगा हुआ है, H ऐड है, तो यहाँ पर क्या हो गया बच्चों, सी डबल बॉन्ड O, है ना, तो इम्यूनो कीटोन का फॉर्मेशन हो गया।
बाकी नीचे वही कार्बन जैसे लगे हुए थे CH2OH। फर्दर बच्चों अब ये रिएक्शन करेगा फिनाइल हाइड्राजिन के साथ में, तो यहाँ पर इस तरह से दो मॉलिक्यूल ऑफ फिनाइल हाइड्राजिन के साथ में रिएक्शन करेगा तो ओसोजोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। चलो वन बाय वन करते हैं, C6H5NH NH2। तो जैसा कि हम जानते हैं इसका H2 और इसका ऑक्सीजन निकल करके क्या निकला, -H2O, तो यहाँ पर एक बॉन्ड फॉर्म हो गया C H डबल बॉन्ड N C डबल बॉन्ड N NH C6H5। रेस्ट ग्लूकोज को ऐसे बना देते हैं, उससे हमने कुछ रिएक्शन नहीं की। फर्दर एक मॉलिक्यूल बच्चों सेम भी जैसे कि कीटोन रिएक्शन कर रहा था, ऐसे ये बच्चों सी डबल बॉन्ड NH सेम भी रिएक्शन करेगा, जैसे कि यहाँ पर कीटोन होता है ना NH, फिनाइल हाइड्राजिन यहाँ पर किस तरह से रिएक्शन करेगी डबल बॉन्ड। एक बार मैकेनिज्म यहाँ पर देख लेते हैं शॉर्ट में, C6H5 ये यहाँ पर अटैक करेगा, समझ इसको मान कर चलो कि ये कीटोन है, ये यहाँ पर जाएगा और फर्दर यहाँ पर क्या होगा, कार्बन कार्बन या नेगेटिव चार्ज आ गया NH, एन नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसने अटैक किया और ये बॉन्ड फॉर्मेशन होगा यहाँ पर HH NH C6H5। यहाँ से H ब्रेकआउट होगा तो ये H कहाँ चला जाएगा, ये H यहाँ पर लग जाएगा, तो ये बच्चों क्या हो गया NH2 हो गया। फिर ये लोन पेयर क्या करेंगे, इसको यहाँ लाएंगे और इसको पुश करेंगे NH3 बन के ये निकल जाएगा, NH2 नेगेटिव बनेगा तो फिर NH2 नेगेटिव H+ सब्सट्रैक्ट यहाँ से कर लेगा। इस तरह से यहाँ पर भी जैसे कि कीटोन की रिएक्शन हम करा रहे हैं उसी तरह से यहाँ पर एमीन बन के निकलेगा, या फिर हम यहाँ से कहें जैसे कि हमने -H2 निकाला है, ऐसे यहाँ पर फिनाइल हाइड्राजिन का एक मॉलिक्यूल और H2N NH C6H5, तो बच्चों इसका H2 यहाँ से और ये NH दोनों तो मिलकर के क्या निकाल रहे हैं -NH3 का को निकाल दे रहा है, ठीक है, अमोनिया मॉलिक्यूल लिब्रेट होगा निकलेगा। और इस तरह से बच्चों सेकेंड हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच हो जाएगा NH C6H5 H C डबल बॉन्ड N NH C6H5 CH OH होल थ्राइस CH2 OH। तो कुल मिलाकर के बच्चों यहाँ पर दो मॉलिक्यूल्स अटैच हुए, ये दो मॉलिक्यूल अटैच हुए फिनाइल हाइड्राजिन के, लेकिन थर्ड मॉलिक्यूल क्या हुआ यहाँ से टूट करके इसको ऑक्सीडाइज करने के काम आया है ना, इस कार्बन को ऑक्सीडाइज करने के ये काम आया है थर्ड मॉलिक्यूल, इसलिए फिनाइल हाइड्राजिन के तीन मॉलिक्यूल्स यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं, जबकि अटैच ओसाजोन में बच्चों दो हो रहे हैं। और जो ये ओसाजोन फॉर्मेशन है अगर फ्रक्टोज से करेंगे तो सेम वे में मैकेनिज्म हमारी फ्रक्टोज से जाएगी, उसमें CH2H है तो ऊपर वाला इसी तरह से ऑक्सीडाइज होगा। तो ये फिलहाल ग्लूकोज से ओसाजोन की मैकेनिज्म है ना, जो कि कहलाती है बच्चों अमेडोरी रीअरेंजमेंट कहलाती है, कई बार एग्जाम में नाम से भी पूछी जाती है कि व्हाट इज़ अमेडोरी रीअरेंजमेंट। थैंक यू बच्चों, इसमें इतना ही।